हेलो दोस्तों जी, जब मन हो चटपटा कुछ खाने का तो, और कुछ नहीं हो घर में तो करना क्या, अचार तो हर घर में होता है यार। कोई भी अचार का मसाला ले लेना है आपने, तो मैंने भरवा लाल मिर्च जो होते हैं उसका अचार का मसाला लूँगी और उसी से मैं ब्रेकफास्ट के लिए एक अच्छी डिश बना के तैयार करूँगी जो काफ़ी अच्छी लगती खाने में। और देखते जाओ, बनाने में तो ईजी है ही और खाने में तो टेस्टी होगी। तो रोटी मैंने बेली, नॉर्मली रोटी जैसे हम यार बनाते हैं वैसे ही बना लेनी है। तो इस रोटी को मैंने बेल लिया, इस पर ये मसाला, ये देखिए ये मसाला जो होता है जिसमें सरसों भी, पीली सरसों होती है, काली सरसों होती है, सौंफ है, अजवाइन है, जो जो मतलब अचार के मसाले होते हैं वो सारे हैं इसमें। तो मसाले मतलब एक मिर्च में से मैंने सारा मसाला निकाला, उसको इस रोटी पे लपेट दिया है, ये देखिए। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, स्टफिंग कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऐसे करना। और ये ट्रायंगल पराठा बनाएंगे, तो ये देखिए इसको इस प्रकार फोल्ड करेंगे और इसको आप ये यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस पर थोड़ा सूखा आटा करके जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे ही इसको भी हम बेल लेंगे। और चाहे तो आप इस प्रकार भी बना सकते हो, बेलने की ज़रूरत नहीं, इतना छोटा भी बना सकते हो। और थोड़ा बड़ा बनाना है तो थोड़ा हल्के हाथों से इसे बेल देना, हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा हार्ड हाथों से मत बेलना, नहीं तो ये सारी स्टफिंग निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बेल लिया, तवा मेरा गर्म था तो उसमें मैंने डाल दिया तवे पे। और ये देखिए इसको पलट देंगे और ये देखिए कितना गुब्बारे की तरह फूल जाएगा, अभी देखते जाना आप। और धीरे धीरे कर जैसे साइडों में हम तेल डालेंगे उस प्रकार ये धीरे धीरे फूल जाएगा, ये देखिए कैसे फूलना शुरू हो गया और एकदम हवा से भर गया है। तो इस प्रकार ये पराठा काफ़ी अच्छा लगता है, ये देखिए इसको पलट देंगे दोनों तरफ से, जैसे पराठे बनाते वैसे ही पराठे बनाने, कोई अलग से कुछ मतलब इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। और बना दिया है ये मैंने पराठा दोनों तरफ से क्रंची सेकने के लिए, थोड़ा दबा दबा के इसको सेकना है जिससे ये थोड़ा सा क्रंची बन के रेडी होएगा। और सरसों के तेल में बनाऊँ तो पराठे और मज़ेदार और मस्त बनते हैं, और क्रंची तो बनते ही सरसों के तेल में। आप चाहे तो घी में ही बना लेना, लेकिन दोस्तों रिफाइंड का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करा करो। और ये सरसों के तेल का पराठा तो काफ़ी अच्छा लगता है, सरसों के पकौड़े मतलब पकौड़े बनाते सरसों के तेल में, वो भी अच्छे लगते हैं। तो पराठा तो हो गया मेरा रेडी, तो मैं इसको एक बार कट करके दिखाती हूँ और ये कैसे मसाले में बना है, देखिए। तो इसको गर्म है तो कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए ये अच्छे से मसाले में हो गया है। और ये देखो बन के तैयार हो गया पराठा।